उस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि आपके हाथ में, अपने हाथ में आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी को मारेंगे तो उसको चोट कैसे लगेगा, और आप अगर किसी को मारते हैं तो आपको चोट ना लगे। क्योंकि जब हम पंच करते हैं ना किसी को, तो हमें भी चोट लग जाता है। क्यों? हमारी हाथ जो कंडीशनिंग है जो अच्छे नहीं होती है। स्ट्रेंथ जो हम किसी को उठाकर पटकते हैं उसके लिए स्ट्रेंथ लगती है, जो ज़रूरत है तो वो हमारे पास में नहीं होती है। तो इसलिए आज जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, इसको आप कभी भी स्पीड में ना प्रैक्टिस करें। स्लो में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वेट कम होगा तो आप स्पीड कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेट आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्लो में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, सारा चीज़ जो भी मैं बताऊंगा स्लो स्लो में आपको करना है, ठीक है? कोई हड़बड़ी नहीं है। आप ऐसे दो प्लेट ले सकते हैं, प्लेट से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा ईंट ले लें, ईंट से भी वैसे ही सेम चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेग वेट एक मिलता है वो ले लें। ये बहुत पुराना है, लगभग 10 साल हो गया है, तो कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, वेट के हिसाब से आपको मिलता है और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है आपके लिए। ये आपको इसमें सिर्फ हाथ में इस तरह से आपको बांध लेना होता है और आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। बट आज मैं आपको प्लेट से करके दिखाऊंगा। इस तरह से टाइट से आपको बांध लेना है दोनों हाथ में, तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो जाता है इसका। ये प्लेट ले लेना है और सबसे पहला ट्रेनिंग हमें क्या करना है, पुशिंग पंच। पुश करना है स्लो मोशन में, फील करना है कि उधर से कोई मुझे धक्का मार रहा है और मैं उसको धक्का मार रहा हूँ इस वेट के साथ में। और ब्रेथ इन ब्रेथ आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको ख्याल रखना है और उसको बढ़िया से फॉलो भी करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेथ इन आन ब्रेथ आउट ब्रेथ आउट जितना स्लो ले जा सकते हैं आप। जब आपका ऐसे ही आपके पास में अगर हल्का वेट है तो आप इसको हल्का हल्का स्पीड बढ़ा सकते हैं। पूरा जो आप पावर में स्पीड में झटके में करते हैं वो चीज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर चोट लग सकता है। अगर हिप यूज़ करते हैं तो हिप में चोट लग सकता है, एल्बो में चोट लग सकता है, रिस्ट में चोट लग सकता है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको ख्याल रखना है, स्लो मोशन में करना है, ठीक है ना? आगे आपकी मर्जी है, आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये हाथ यहां पर रखना है, 1 slow 2 फिर इस हाथ को उल्टा कर लेंगे, ट्राई करेंगे यहां पर होल्ड करके रखने के लिए। अब इस हाथ को ऐसे रखे थे, अभी हमें ऐसे रखना है।
है क्या, इस तरह से हमें रख लेना है और हाथ को इस तरह से रोल करना है ये, और स्लो मोशन में। अगर आप स्पीड के चक्कर में जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, जितना वेट आप कैरी कर सकें उतना ही लेंगे। बहुत सारे टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत पतले लोग हैं, छोटा है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं और आप हैवी वेट नहीं उठा पा रहे हैं। बस इसका एक ही रीज़न है कि आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हैवी वेट उठाना ज़रूरी नहीं है, सही जगह पर सही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। हैवी वेट हम उठा लिए और जैसे बाइसेप लगा रहे हैं, हैवी वेट उठा लिए तो हाथ का तो काम हो नहीं रहा है, कमर का काम जरूर हो जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ कि आपका प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हैवी वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट का जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो उतना ही वेट उठाएं जितना आपका शरीर ले पाता है। आस्ते 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 बढ़ेगा, जल्दी में कुछ ना करें, कभी कभी जल्दी का काम नुकसान हो जाता है। रिवर्स करेंगे अभी, सेम इसका उल्टा करके, रिवर्स करेंगे, हाथ ऐसे रखना है और रोल। रिवर्स, इसमें बेस्ट होगा आपको यहाँ पर आप होल्ड करके रखें 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना देर आपका हो सके। मैंने पहले ही बताया आपको कि वेट उतना ही लें जितना आप संभाल सकें, ज़्यादा लेने से आपको नुकसान हो सकता है। तो हमें ऐसे करके वेट यहाँ पर रख कर होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितना आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें आप जितना देर होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बट स्टार्टिंग में आप उतना ही करें, ऐसा ना हो कि आप जल्दी के चक्कर में कि मेरा जल्दी स्ट्रांग हो जाए, उसके चक्कर में आप घंटों तक लेकर रख गए लेकिन एक दिन रख लेंगे, दूसरा दिन आपको तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं ना, आज अगर 10 किए हैं ना तो कल भी 10 करना है, उतना ही आज प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज 50 कर लिए और कल जाकर 10 भी ना लगा पाएँ, मतलब वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। आस्ते आस्ते बढ़ाना है, बढ़ा के घटाना नहीं है, घटा हुआ जो रहेगा उसको बढ़ाना है। अभी मैं आपको कुछ ब्लॉक्स करके दिखाता हूँ स्लो स्लो में, वो आपको ऐसे ही आप इसके साथ में कुछ भी टेक्निक लेकर आप कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लेग वेट जो मैंने आपको दिखाया, वो लेग वेट को आप लेकर पूरा काता भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फाइटिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं,
रिदम प्रैक्टिस जो होता है काता का वो कर सकते हैं, टेक्निक जो होती है किक का पंच का वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ब्लॉक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि क्या क्या आप कर सकते हैं। करने का बहुत कुछ है, बस छोटे छोटे चीज़ों को मैंने आपको सामने रखा है ताकि इससे आपको आइडिया मिले और आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपका जो भी हाथ में प्रॉब्लम हो, मतलब कमजोर है हाथ, स्ट्रांग नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा। आप किसी को उठाने में आपको तकलीफ़ हो रहा है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप इससे किसी को उठाकर अगर पटकना है वो काम आएगा, स्पीड में नहीं हो रहा है तो वो आएगा, पावर नहीं है वो आएगा, मतलब एक वीडियो बहुत सारा चीज़ों में आपको काम आएगा। लॉक टेक्निक आपको काम करने, जब लॉक टेक्निक आप लगाते हैं किसी को आप तुरंत में हाथ दर्द हो जाता है और आप छोड़ देते हैं, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। स्पीड में आप किसी को मारने जा रहे हैं वो साइड हट गया और आपका पंच वहाँ पर जाते जाते उसके पहले ही वो साइड हट गया, वो स्पीड आपका आएगा कि उसका स्पीड, मतलब वो हटने से पहले आप अटैक कर देंगे। आप किसी को मारते हैं तो आपको चोट लगता है, वो चोट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय। और